चल यार चल उस बार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस बार की देखी जाएगी पहले, उस बार निकलते हैं यार। बबल बनाए जलता जा, कोई जाए जाए जलता जा। महमूद साहब, सबके फोन्स की बैटरियां फारिग हो चुकी हैं और घर का फोन भी बंद पड़े बिल ना देने की वजह से। तो पुत्र, यही सारी बातें हम सीधा सीधा जाके उस चोर को बता देते। नहीं माँ जी, उसको पकड़ के पुलिस के हवाले करना है। किचन में एक आदमी की वो है। वो क्या? वही जो मरने के बाद होती है ना। ओ जानू, माँ जी कहीं उस चोर की बात तो नहीं कर रही जिसको रात हमने डंडा मार के बेहोश किया था? ये चोर पर्दा करता है क्या? ओ नहीं पर साहब, ये पर्दा नहीं है, चादर है यार। चलो मैं अब इसके हाथों में कड़ियां डालता हूँ। हमारे लिए मंगवाओ, हम मरने वाले हैं यार। अरे ये आदमी पता नहीं किस चक्की का खाता है यार। मैं मुझे तो लगता है पापा जी पूरी चक्की खा जाते हैं यार। शराब नबील। ओके चलो। और ये हमारे कमरे में सोएगा क्या? माँ जी पापा सो नहीं रहे, बेहोश हुए हैं और आपकी वजह से बेहोश हुए हैं। ओए मुझे देख के तो बड़े बड़े लौंडे बेहोश हो जाते हैं। माँ जी आपको देख कर नहीं, आपका डंडा खा के बेहोश हुए हैं। ये डंडा भी खा जाता है, बड़ा पेटू आदमी। नबील तुम क्या खड़े हुए यार, पापा को होश में लाओ। ओ महमूद साहब एक काम करें यार, एक ग्लास पानी में ना 250-250 नींबू जो है ना वो निचोड़ के लाए यार। अरे वो बेहोश हुए हैं, कोई मदहोश नहीं हुए। नबील पापा के मुंह पर पानी छिड़को यार। ओ जानू पापा जी के मुंह पर तो काफी पानी खर्च हो जाएगा। एक काम करते हैं, पापा जी का मुंह जो है ना वो टैंक में डाल देते हैं जाके। What? और पुत्र इसका मुंह कौन उठा के डालेगा, इसका मुंह तो बहुत ही भारी होगा। हाँ माँ जी मेरी कमर में तो पहले ही चुका गई है। Shut up, नबील। एक तो माँ जी ने पापा के सर पे डंडा मारकर उन्हें बेहोश कर दिया है, ऊपर से तुम उनका मजाक उड़ा रहे हो, शर्म आनी चाहिए। वो जानू इसमें मेरा क्या कसूर है, मैं तो लाइनें बोल रहा हूँ जो इमरान ने लिखा है वो बोल रहा हूँ। बकवास बंद करो, पापा को होश में लेकर आओ। पापा को जिसमें लाना है वो होश है। हाँ जी। अच्छा जी। पापा जी उठे ना, उठे पापा जी, एक छिड़काव करो ना ज्यादा। पापा जी उठे ना, उठे। अरे ये तो उठ गया। मुझे लगता है महमूद साहब माँ जी ने डंडा जोर से नहीं मारा था। पापा, पापा, नबील ने पापा को क्या हो गया है? जानू मुझे लग रहा है पापा जी बच्चे बन गए हैं। किसका? हाथी के। वश्य वश्य। ओ पापा जी आपको क्या हो गया है? उधर ये हाथी की जुबान बोल रहे हैं। ओ माँ जी ये बोल ही कहा रहे हैं, रो रहे हैं। नबील मुझे लगता है माँ जी ने जो पापा के सर पे डंडा मारा था ना, उससे उनके दिमाग पर चोट लगी है, तभी ऐसी हरकतें कर रहे हैं। अरे इस औरत का तो दिमाग ही खराब है बिल्कुल। महमूद साहब आप प्लीज डॉक्टर को बुलाएं यार। अरे डॉक्टर के पास भी इस औरत का कोई इलाज नहीं है खूबसूरत। अरे मैं पापा के लिए डॉक्टर को बुलाने की बात कर रही हूँ। वो जो पापा के लिए बुलाना है वो डॉक्टर है? नहीं वो शायद 612 है। अच्छा जी। हाँ जी पुत्र, लार्ज साइज का पेपर लेकर आ जल्दी। हेलो हेलो डॉक्टर साहब। जी जी भाई, मैं डॉक्टर साहब बोल रहा हूँ भाई। अरे डॉक्टर साहब मैं बुलबुले वाला महमूद बोल रहा हूँ। अरे महमूद साहब कैसे हैं भाई? हाँ मैं ठीक हूँ। डॉक्टर साहब ये बताएं कि आप अभी हमारे घर पे आ सकते हैं? अरे भाई अभी तो मैं बहुत बिजी हूँ, एक मरीज मेरे पास आया हुआ है, वो बहुत नहीं रहा। हाँ हाँ भाई बड़ा कॉम्प्लिकेटेड केस है। डॉक्टर साहब आपका वो मरीज भौंकना चाहता क्यों है भाई? अरे भाई भौंकेगा नहीं तो बात कैसे करेगा? जबान से और कैसे भाई? अरे भाई जबान से तो वो दूध पीता है ना। अरे हाँ भाई अजीब कुत्ता मरीज है। आप अपने मरीज को गालियां दे रहे हैं डॉक्टर साहब? अरे भाई गालियां कौन दे रहा है, तौबा तौबा, वो तो है सतमुच का कुत्ता। आप कुत्ते का इलाज कर रहे हैं? अरे भाई असल में तो मैं जानवरों का डॉक्टर हूँ, और भूल गए आप मैंने आपको और माँ जी का इलाज भी किया था। डॉक्टर फिर आप जल्दी आ जाइए क्योंकि इस मर्तबा आपने एक बहुत बड़े जानवर का इलाज करना है। अच्छा बस फिर से मैं आ रहा हूँ, और हाँ बड़े जानवर की फीस भी बड़ी होगी। अरे आप फिक्र ही मत करें। जी फिर मैं आया, बस आ जाए आ जाए। महमूद साहब क्या हुआ? डॉक्टर साहब आ रहे हैं। ओ यार आपने डॉक्टर साहब को क्यों बुला लिया? खूबसूरत के पापा के इलाज के लिए यार। ओ यार महमूद साहब मरने दे उस बुड्ढे को। क्या? हाँ यार जीते जी तो उसने कुछ देना ही नहीं हमें। अरे तो उसके मरने के बाद कौन सा उसकी जायदाद तुम्हें मिल जाएगी नबील? महमूद साहब खूबसूरत को तो मिल जाएगी ना।
हाँ उसे तो मिल ही जाएगी। तो खूबसूरत से तो मैं आसानी से पैसे निकलवा सकता हूँ, लेकिन इस मोटे सांड से नहीं। हाँ नबील, कह तो तुम बिल्कुल ठीक रहे हो, लेकिन फिर अब करें क्या? महमूद साहब, मैं डॉक्टर को घेरता हूँ ताकि पापा जी का काम यहीं तमाम कर दे। वो जो पापा जी का काम यहीं करेंगे वो काम तमाम होगा। हाँ जी। अच्छा जी, लो भी लगता है डॉक्टर साहब। आए आए, पकड़े डॉक्टर। ओहो, पहले लॉन में चल, बताते हैं तुझे। बताओ 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 बताओ। अच्छा तो मरीज यहाँ है? डॉक्टर साहब, मरीज को देखने से पहले हमारी बात गौर से सुन ले, बल्कि कान खोल के सुन ले। क्या मरीज को कोई खतरनाक बीमारी है? नहीं। क्या वो मरने वाला है? नहीं। अरे तो फिर प्रॉब्लम क्या है? उसे मारना है। क्या? हाँ। अच्छा अब मैं समझा, क्योंकि मरीज पागल हो गया इसलिए तुम दोनों उसको मारना चाह रहे हो, हैं? बस यही समझे। अरे नो प्रॉब्लम, एक गलत इंजेक्शन लगाऊंगा सब ठीक हो जाएगा। ओ भाई, ठीक नहीं करना, खराब करना है खराब। अरे हाँ भाई, मेरा मतलब भी वही था। अच्छा जल्दी बताओ कहाँ बांधा है? बांधा है? अरे हाँ भाई, मरीज को कहाँ बांधा है आप लोगों ने? ओ डॉक्टर साहब, बांधा बांधा नहीं है, कमरे में है वो। क्या आपने इतने बड़े जानवर को खुला छोड़ दिया? जानवर? हाँ भाई, भाई महमूद साहब ने मुझे यही बोला था कि घर में बड़े जानवर का इलाज करना है। ओ यार महमूद साहब, ये आदमी पहले कम बावला है यार, आपने और कंफ्यूज कर दिया इसे। अरे मैंने तो ऐसे ही तबके कह दिया था नबील। ओ डॉक्टर साहब, मरीज जानवर नहीं है, खूबसूरत के पापा है। अरे हाँ हाँ भाई, एक ही बात है ना, चलो दिखाओ भाई कहाँ कहाँ। जल्दी चलो 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 चलो। माँ जी, ये क्या हो गया पापा को? छुपना आ गया। ले पुत्र, अब जी भर के देख ले अपने पापा को, क्योंकि ये आ गया। नबील, तुम्हें कोई और डॉक्टर नहीं मिला था पूरे शहर में पापा के लिए? क्या मतलब है भाई? अरे भाई, मेरे अलावा पूरे शहर में कोई ऐसा डॉक्टर नहीं होगा जो अच्छे खासे मरीज की जान ले सके। क्या इनका मतलब है जानू, के वो जो मरीज की जान बचा ले? आपके पापा कहाँ है? अरे ये तेरे सामने नजर नहीं आ रहे? अरे ये तो बच्चा है। अरे तूने इतना बड़ा बच्चा देखा है कभी? हाँ भाई, वेल का तो बच्चा इससे भी बड़ा होता है। ओ भाई, तू वेल को गोली मार, तू इन्हें देख। ठीक है भाई, मुझे क्या, मुझे तो मारना है ना। मारना है मतलब? जानू, वो जो पापा जी के अंदर बच्चा है ना, उसको मारना है। क्या ये प्रेग्नेंट है? ओ भाई, तू क्यों काम खराब कर रहा है? तुझे जो कहा था वो कर, पैसे पकड़ो, निकल यहाँ से। अरे भाई, मैं तो ऐसे एंटरटेन कर रहा था। अरे तू लानत भेज एंटरटेनमेंट को, अपना काम कर। अच्छा भाई, नाराज मत हो, अभी लॉबी हो गया। ये क्या है? ये भाई घोड़ों का इंजेक्शन है। तो तू गेंडे को क्यों लगा रहा है? माँ जी। अरे भाई, इससे तो मरेंगे। क्या? अरे भाई, बीमारी वाले जरासीम मरेंगे ना इससे। थैंक गॉड, बचा भी जाना। ओ भाई, तू इंजेक्शन लगा। अच्छा भाई लगा, जल्दी कर ले, जल्दी कर। चलो 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 चलो, जा बस। पापा जी मर गए, मर गए, मर गए, पापा जी मर गए। और इसे कुछ नहीं हुआ? ओ माँ जी, पापा जी मर गए। क्या जानू, लगता है इंजेक्शन का रिएक्शन हो गया जानू। पापा, पापा नहीं, पापा उठिए, पापा, पापा, पापा आप ठीक तो है ना? मुझे ये बताओ, मेरे सर पे टिड्डा किसने मारा था? माँ जी ने। पापा, रात को बगैर बताए किचन में कैसे आ गए थे? अरे बेटा, मैं बेताब से नाराज होकर तुम्हारे घर आया था, लेकिन रात को लाइट नहीं थी। अरे मैं पिछले दरवाजे से कूद के घर में आ गया। अरे बेटा, मुझे भूख लग रही थी, इसीलिए मैं किचन में खाना खाने चला गया। थैंक गॉड आप ठीक हैं पापा। थैंक यू डॉक्टर, आपने मुझे ठीक कर दिया। मैंने तो आपको ठीक कर दिया है, लेकिन मुझे लग रहा है ये लोग मेरे साथ ठीक नहीं करेंगे। आइए डॉक्टर साहब, हम आपको ना दरवाजे तक छोड़ देते। वो जो आप छोड़ेंगे वो दरवाजे तक होगा। जी जी, आइए आइए आइए, बाबा जी हम आते हैं। आइए आइए डॉक्टर साहब, आइए। शुक्र है आप ठीक है। आपके सर में दर्द तो नहीं हो रही तेरी गलती की? ऐसी की तैसी, तूने मुझे करोड़ों पति बनने से
महरूम कर दिया है। भाजन खुदा के कदम, पहली बार मरीज बचाने पे कुट लग रही है मेरी। अबे तो तूने उसको सही इंजेक्शन क्यों नहीं दिया? अरे सही तो दिया था भाई। और फिर पापा जी मरे क्यों नहीं? अरे इसलिए कि गलत इंजेक्शन नहीं दिया था ना। ओए चिपकू, गलत क्यों नहीं दिया? वो शायद मैं उस कुत्ते को लगा के आ गया था। क्या कुत्ते? कौन? मुझे माफ करो, मुझे माफ करो भाई साहब, मुझे माफ करो, मुझसे गलती होगा भाजन। पता नहीं हालांकि उस इंजेक्शन में दो तीन बंदे मार चुका हूँ। पता नहीं तुम्हारा सुसा क्यों नहीं मारा भाई। यार नबील, ये खूबसूरत का बाप तो बहुत ही डीट आदमी है। हाँ मैं मूसा, मुझे लग रहा है किसी बंगाली बाबा से तावीज लेना पड़ेगा पापा जी को मारने के लिए। हाँ ये ठीक है, बल्कि बंगाली बाबा का नंबर भी मैं तुम्हें देता हूँ। ये लो। ये कौन है? अरे ये मेरा भाई है, आमिर बंगाली बाबा। भाई हर किस्म के तावीज बनाता है और इसके हर तावीज में बड़ा दम है भाई। अबे जा, पता नहीं कौन है साला। अरे नहीं भाई, बड़ा हिट है, हर साल रमजान ट्रांसमिशन करता है, बड़े फैन है इसके भाई। क्या बोलते हैं मूसा? चलो इस बाबे को भी ट्राई करके देख लेते हैं। वो जिस बाबा को करके देखेंगे वो ट्राई होगी। हाँ जी। चल तू निकल, चल तू निकल, निकल चल निकल। चले मैं मूसा, फोन निकाले यार, मेरे फोन में क्रेडिट नहीं है। हाँ हमेशा ही नहीं होता तुम्हारा। आ जाए ना यार। बंगाली नहीं थे पुत्र, तू गलत आदमी उठा के ले आया। ये वो वाले बाबा नहीं है माँ जी। फिर कौन से वाले बाबा है? हम सुल्फी वाले बाबा है। सुल्फी वाला बाबा? नहीं कुछ नहीं यार, तुम जाओ अंदर खूबसूरत के बाबा के पास बैठो। और सुनो, खूबसूरत को बाहर नहीं आने देना, चलो जाओ। जाए माँ जी जाए। बाबा जी आप यहाँ तशरीफ रखें, आ जाए बैठे। नबील जी, मुझे इसकी शक्ल कुछ जानी पहचानी लग रही है। तुम जवानी में आया होगा हमारे पास, महबूब आपके कदमों में जो तावीज होता ना वो लेने। ओ बाबा जी ये छोड़ें, मेरे सुसर के लिए कोई तावीज दें ताकि उसका काम तमाम हो जाए। तुम बिल्कुल परेशान मत हो, हम तुमको ऐसा तावीज देगा कि पीने वाला तड़प तड़प के मर जाएगा। हाँ तो जल्दी देना यार। ना पहले तुम हमको हमारा फीस दो, फिर हम तुमको तावीज देगा। अरे फीस मिल जाएगी बाबा। अरे नहीं बा, नहीं तुमने हमारा भाई का फीस भी नहीं दिया था। हमारा भाई हमको बोल के भेजा है कि पहले फीस लेना फिर काम करना। बहुत घटिया लोग हो तुम लोग। अरे नबील याद आया क्या? अरे इसकी शक्ल अपने डॉक्टर शाहिद 612 से मिलती है। हाँ हम उसका भाई है आमिर बंगाली। अरे तुझे तो मुफ्त में तावीज देना चाहिए, तेरे भाई ने तो केस खराब किया है। क्या कर रहा है? देखा देखा, हम कह रहा था इस आदमी का शक्ल के साथ साथ नियत भी खराब लग रहा है, हम तुमको तावीज नहीं देगा, जा हम जा रहा है। रुक 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 रुक, तो फिर लाओ 5,000 रुपए। 5,000 रुपए? अरे 5,000 रुपए बहुत ज्यादा है नबील। अरे भाई कैसे बात कर रहा है, 5,000 रुपए तो कसाई बकरा गिराने का लेता है, तुम हाथी गिराने का 5,000 नहीं दे सकता, हम जा रहा है। अबे रुक नबील, दो यार 5,000 रुपए। अच्छा यार 5,000 ही थे, चलो ये लो तावीज। इसको जो है ना शरबत में मिला के घोल के अच्छी तरह पिला देना, आदमी तड़प तड़प के मर जाएगा। वो जो मरेगा वो तड़प तड़प के मरेगा। हाँ जी चाहिए। चले मैं मूसा, पापा जी के लिए जूस बनाते हैं। चलो चलो आओ। तुम लोग क्या समझे थे डॉक्टर की फीस खा जाओगे? हैं भाई पूरा एपिसोड किया है, पैसे नहीं छोड़ूंगा। मुझे नहीं। ओ भाई मुझे मिलनी है, इसीलिए तो कह रहा हूँ कि पहले मेरे लिए जूस बनाए। ठीक है फिर मैं तुम दोनों के लिए ना एक ही जूस बना देता हूँ। ठीक है फिर हम पापा जी के ग्लास में ना ये तावीज डाल देंगे। ये तावीज असर करेगा भी के नहीं? एक काम करते हैं महमूद साहब। क्या? आप चेक कर देखें, अगर आपको कुछ हो गया तो यकीनन पापा जी भी निकल जाएंगे। अरे जाओ पिलाना है तो अपनी माँ को पिलाओ ताकि मेरा भी कुछ भला हो। वो जो आपका होगा भला होगा। हाँ जी। अच्छा जी मैं जूस बनाए। अच्छा चलो 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 बास 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 निकाल। पापा आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अरे बेटा सर में दर्द हो रहा है। पापा आप रेस्ट कर लेते ठीक हो जाता। और नहीं खूबसूरत पुत्र, अब मेरी जिंदगी में आराम का। ऐसा क्या हो गया पापा? आप तो बेताब के साथ बहुत खुश थे। अरे क्या हाँ खुश था, बेताब ने तो मुझे बेचैन करके रख दिया। अरे उसकी तो फरमाइशें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। क्या? हाँ बेटा
मुझे तो लगता है खूबसूरत उसने मुझसे शादी सिर्फ मेरी दौलत के लिए की थी। साहिर है पापा, आपकी खूबसूरती तो देख के नहीं करेगी ना। अरे मेरा दिल तो देख सकती थी ना वो, लेकिन उसने सिर्फ मेरी दौलत देखी बेटा। अरे मुझे तो डर है किसी दिन मेरी दौलत के चक्कर में मुझे जहर देकर मार ही ना डाले। What? ओ पापा जी, ये ले जहर पिए। क्या? मेरा मतलब है पापा जी जहर को छोड़े जूस पिए, फ्रेश जूस मैंने अपने हाथों से आपके लिए बनाया है। तुमने और मेरे लिए जूस बनाया है? जी ये बड़े वाला गिलास आपका है विदाउट शुगर। तुम इतने अच्छे हो गए नबीर, क्या मैं मरने वाला हूँ? जी बस यही समझ लीजिए। क्या जानू, यही समझ लो कि मैं बहुत अच्छा हो गया हूँ। आई एम सॉरी पापा जी, मैंने आपको बहुत तंग किया, अब मैं आपको कभी तंग नहीं करूंगा। मैंने आज ये फैसला कर लिया कि आज के बाद मैं आपको एक अच्छा दामाद बन के दिखाऊंगा। अभी तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? जानू प्लीज मेरा मजाक मत उड़ाओ, मैं जो कुछ कह रहा हूँ दिल से कह रहा हूँ। पापा जी आप एक काम करें, ये जूस का गिलास मेरे हाथ से पी लें। नहीं बेटा मेरा दिल नहीं कर रहा। और नहीं पापा जी आप पिए ना जूस। और जब वो नहीं पी रहा तो तू क्यों जिद कर रहा है मुझे? और नहीं माँ जी ये पापा जी का जूस है। क्या इस पे इसका नाम लिखा है क्या है? नहीं माँ जी ये शुगर फ्री है, आप दूसरा वाला ले लेना। अशाबाशी। थैंक यू पापा जी, थैंक यू वेरी मच। अब मैं टेंटो का इंतजाम करता हूँ। इसलिए चलो पापा जी की सेहत याबी की खुशी में जश्न मनाना है ना। मामोसा मामोसा। आप जूस पिए। बंदोबस्त करें। नबील पहले ये बताओ कि खूबसूरत के पापा ने किस गिलास में शरबत पिया है? वो बड़े वाले गिलास में। क्या? हाँ आपने जहर बड़े वाले में मिलाया था ना। नबील छोटा गिलास तुमने तो नहीं पिया ना? नहीं मामू साहब। उफ शुक्र है खुदा का बच गए। क्यों क्या हुआ मामू साहब? वो मैंने बाबा का जहर वाला तवीज जो था ना छोटे गिलास में डाल दिया था। क्या? हाँ वो तो माँ जी ने पी लिया होगा। नहीं माँ जी। मामा माँ जी रुक जाए, माँ जी रुक जाए, माँ जी रुक जाए। तुम्हारी माँ ने तो पूरा गिलास पी लिया है। हद होती है नियत खराबी की महमूद साहब, आप दूसरा बनाकर पी लें। अरे मेरी बीवी मरने वाली है। कैसी फजूल बातें कर रहे हैं आप? मैंने इस घटिया आदमी के कहने पर इस घटिया आदमी के जूस में जहर मिलाया था, लेकिन इस घटिया आदमी ने इस घटिया आदमी को दूसरा वाला गिलास पिला दिया और जहर वाला गिलास मेरी मम्मा ने पी दिया है। घटिया आदमी, तुम मेरे पापा को जहर पिलाकर मार रहे थे? देख लीजिए पापा, आप कह रहे थे ना ये आदमी सुधर गया और आप अपनी आधी जायदाद का हिस्सा इसके नाम करने वाले थे। मैं गलत था बेटा, मैं भूल गया था कि कुत्ते की दूध टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। मैं इस घर में अब एक पल नहीं रुकूंगा। तुम्हारी माँ मर रही है यार। माँ जी को आप संभाले। मामा तुम मरने के बाद अकड़ गई हो? नहीं आपने मुझे रुकने को कहा था इसलिए मैं स्टॉप हो गई हूँ, तो आप मुझे अब इजी बोले। इजी? ओए शबशे। मोमो तुम्हें कुछ हो रहा है? नहीं तो। अरे तुमने वो जहर वाला जूस पी लिया यार। ओए नहीं पिया मकसूद। ओए मैंने नहीं पिया, मैंने एक घूंट लेके देखा था, बड़ा कौड़ा था। ये दोनों बाप बेटी बातों में मशगूल थे तो मैंने उस मोटे के गिलास में ना सारा जूस डाल दिया, वो बेख्याली में पी गया। क्या? अरे नबी, अरे टेंट वेंट का इंतजाम करो। यार मैंने ये बिरयानी अपने अंकल के लिए बनाई थी और आप लोग खा गए। मैंने इसे बहुत रोका खूबसूरत, मगर ये नियत खराब मानी ही नहीं। आप भी डकारों का इलाज नहीं कर सकता। मैं तो फिर तुम क्या कर सकते हैं? बेटा अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे शौहर को हिप्नोटाइज कर सकता हूँ। उससे क्या होगा अंकल? वो तुम्हारी हर बात मानेगा। क्या हुक्म है मेरे आका? देखा, लेकिन आपने तो कहा था कि नबील मेरे काबू में आएगा। जो तुम कहोगी वो ये करेंगे, भीगी बिल्ली बन करेंगे तुम्हारे सामने। हमारी सारी टेंशन खत्म हो गई। अब हाँ मैं दोनों से घर के अंदर भी काम करवाएंगे और बाहर भी। वशे वशे। ये तो अच्छा हो गया ना, घर की सफाई हो गई। म्याओ। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल यार चल।
चल उस बार चल, दुनिया नहीं ये बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस बार की देखी जाएगी पहले, उस बार निकलते हैं। यार बबल बनाए जलता जा, कोई जाए जाए जलता जा। अरे बबल फुलाए चलता जा, कोई आए जाए चलता जा।